सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी जरूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। मैं रोहित, मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, पिछले 15 से 20 सालों में आप लोगों ने एक शब्द काफ़ी बार सुना होगा और वो शब्द है कोलेस्ट्रॉल। आखिर क्या है ये कोलेस्ट्रॉल, कैसे मानव शरीर के अंदर ये बढ़ता है, क्या क्या इससे बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं और क्या है इसका आसान इलाज, आइए जानें। दोस्तों, जब किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम लोग अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले तो अपने अनुभव के आधार पर इलाज करते हैं। जब इलाज में सफलता हासिल नहीं होती तब वो कुछ जांच करवाते हैं। जांच में यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा बात के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है, तब वो अपना इलाज स्टार्ट करते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे बढ़ता है जानते हैं इस बात को, कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या ये मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, जैसे वात, पित्त और कफ हैं, सभी लोग कहते हैं कि ये दोष हैं, परंतु असलियत में ये तीनों चीज़ें दोष नहीं हैं, ये मानव शरीर की शक्तियाँ हैं। इनके ऊपर मानव शरीर टिका हुआ है, निर्माण ही इसी पर होता है। ठीक उसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल यानी कि एक आप महीन चर्बी कह सकते हैं, इससे मानव के शरीर का एक एक अंग बनता है और ये कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर को हमेशा चाहिए। कोशिकाओं की हमेशा बनना इसी से होता है और ये कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर के एक हिस्से में, जिसे कहते हैं लिवर, उसमें तकरीबन 80% बनता है जितना मानव शरीर को चाहिए और बाकी का 20% हमारा शरीर खाने से प्राप्त करता है, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है। और यदि हमारे खाने में जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तला हुआ भुना खाना बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जो भी खाना हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो सारे नसों में जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल वाला खाना ज़्यादा जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल भी आहिस्ता आहिस्ता महीन मात्रा में नसों के अंदर प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, कोई एक स्थान नहीं है जहाँ ये कोलेस्ट्रॉल जम सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि हाथों और पैरों की किसी भी नस में यदि कोलेस्ट्रॉल ये जम जाता है तो वहाँ पेन क्रिएट कर देता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यदि ये हार्ट की किसी आर्टरी में जमा हो जाता है तो सांस फूलना समस्या पैदा हो सकती है, या फिर हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, कई बार ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल रुक भी जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, आप सभी लोग जानते हैं। और यदि ये दिमाग में किसी नस में जम गया तब कोमा हो सकता है, पैरालाइज तक हो सकता है और अनगिनत बीमारियां हैं जो कि इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बढ़ने की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? बहुत लोग बताते हैं कि लहसुन खाने से ठीक हो जाता है, परंतु लहसुन का ऐसा है कि बहुत लोगों के ऊपर मैंने ये भी देखा है कि लहसुन की जो महक है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से और उनको समस्याएँ पैदा होने लगती हैं। अब लहसुन खाने से कई लोग बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस करते हैं, इत्यादि इत्यादि अलग अलग लोगों के अलग अलग रुझान हैं। तो इसके लिए मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि कुछ और इलाज बताया जाए, तब उन्होंने एक इलाज मुझे बताया, बहुत कामयाब, हज़ारों लोगों पे उन्होंने प्रयोग किया हुआ। जब मुझे बताया मैंने भी काफ़ी लोगों के साथ ये नुस्खा शेयर किया, रिजल्ट्स अच्छे मिले, तब सोचा आप लोगों के साथ ये नुस्खा जरूर शेयर करना चाहिए। तो उसके लिए हमें बाहर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, जो जो दवाई चाहिए सारी की सारी आपके किचन में अवेलेबल है। तो देखें क्या क्या है। सबसे पहले ये मेथी दाना इजीली किचन में है आपके, इसकी क्वांटिटी चाहिए हमें सिर्फ 50 ग्राम। उसके अलावा ये है अजवाइन, अजवाइन चाहिए हमें ओनली
20 ग्राम्स यानी कि 20 ग्राम। उसके बाद ये है काली जीरी, देखिए दोस्तों ये काली जीरी है, ये भी बहुत घरों में मिल जाती है। अगर नहीं तो आपकी किसी भी जनरल स्टोर या पंसारी के पास आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अब दवाई बनाने का तरीका क्या है, वो भी बहुत आसान है। इन तीनों चीज़ों को साफ़ कर लीजिए, क्वांटिटी वही जो मैंने आपको बताई है, 50 ग्राम मेथी दाना, 20 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम काली जीरी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद तवे पे इसको भून लीजिए, तवे पे या कढ़ाई में बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का हल्का भूनिए। कलर जैसे आपको लगे कि ब्राउन हो जाए, सड़ ना जाए, बस गैस ऑफ करके थोड़ा जब ठंडा हो जाए तब इसको आप मिक्सी में पीस लीजिएगा। ये देखिए यहाँ ये रेडी कर रखी है। अब इसके सेवन का तरीका बिल्कुल आसान, एक चम्मच रात को सोते समय, बट लेना है इसको गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ इसका सेवन बिल्कुल ना किया जाए। और इसको जिस दिन से आप स्टार्ट करें डेट लिखें, 30 दिनों के पश्चात आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल पुनः चेक जरूर करें, फिर 30 दिन के बाद चेक करें। जहां आपको लगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल सामान्य हो गया, उसके बाद सिर्फ 5 से 7 दिन और लेके आप इस दवाई को छोड़ सकते हैं। 90 दिन का वैसे इजीली इसका कोर्स होता है, 90 दिनों तक इसको व्यक्ति ले प्रॉब्लम उसकी कंट्रोल हो जाती है, परंतु ज़्यादा दिनों तक लेना ठीक नहीं है। जब लेवल नॉर्मल दिखे तब छोड़ दिया जाए। अब कौन कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो इसको नहीं ले सकते, वो हैं क्योंकि ये दोस्तों सभी चीज़ें गर्म तासीर की हैं, जो पित्त के पेशेंट हैं यानी कि जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। हाई बीपी के पेशेंट भी इस नुस्खे को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर से हिदायत है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ जितना हो सके पानी की क्वांटिटी बढ़ाएं, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा लें, पानी आराम से पिएं, एक एक घूट करके। जितना ज़्यादा पेशाब आएगा उतना ज़्यादा ब्लैडर साफ़ होगा, शरीर की सफाई होगी, जितना कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा हुआ है धीरे 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 कट के वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है परहेज की, तो परहेज क्या करना है, तो दोस्तों जिस चीज़ की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा है वही चीज़ तो छोड़नी है, वही अपनी टेस्टी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, टिक्की, समोसे, छोले भटूरे, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, छोड़ दीजिए सभी, बिल्कुल लाइफ से निकाल फेंकिए। कंटिन्यूस इसका सेवन कीजिए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, इस 2.5 इंच की ज़बान के स्वाद का खामियाजा 25 इंच का पेट भुगतता है, उसके बाद ये सारा शरीर भुगतता है, यहीं पे गाड़ी रुकती नहीं है। इसके बाद जो आपके पीछे वाले हैं, आपके माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चे, वो भी इस समस्या का भुगतान करते हैं। तो अपना ना सही, अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए, उनको आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, आपके ऊपर निर्भर करते हैं, तो उनकी खातिर प्लीज़ जंक फूड, फास्ट फूड का त्याग कीजिए, इस दवा का सेवन कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है और परमात्मा से आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ विदा चाहता हूँ। नमस्कार।